आज के समय में, और क्या कहना चाहेंगे, एज ए महिला कितना प्राउड फील हो रहा है ये अवार्ड रिसीव करते हुए? मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी ने अपना परचम न लहराया हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नारी ने न कर दिखाया हो, लेकिन फिर भी नारी को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों, आप बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जितना भी हम नारी प्रगति, नारी शक्ति, नारी शिक्षा को बढ़ावा दें वो कम है। हमें पहले से ज़्यादा और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए नारी शक्ति के लिए। आज आपने देखा कि हमारे साथ पायल घोष मौजूद थे और मैंने पायल घोष को सपोर्ट किया सोशल मीडिया पर जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनके साथ यौन शोषण हुआ था। कई लोगों ने उन पर उंगली उठाया और ये पूछा कि हम ये कैसे मान लें कि आपके साथ वो हुआ जो आप होने का दावा कर रही हैं। हम इस तरह के सवाल क्यों उठाते हैं? हम ये क्यों मानते हैं कि जब कभी कोई नारी अपने यौन शोषण के बारे में कोई बात रखती है समाज के सामने, वो केवल एक पब्लिसिटी स्टंट होता है? ऐसा क्यों मानते हैं हम? ये सोच कैसे पैदा होती है और क्यों पैदा होती है? हम क्यों विश्वास नहीं करते नारी पर? और शायद हमारे इस बर्ताव की वजह से ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो आगे आकर अपने इस तरह के अनुभव के बारे में नहीं बताती हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूं तो ये आरोप लगाया जाएगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, जो कि नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि हम नारी पर विश्वास करें, नारी का सम्मान करें, और यदि कोई नारी, कोई पीड़िता सामने आकर कहती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, हम सबसे पहले उसकी बात सुनें और कानूनी तौर पर क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला वो करेगी या उनके वकील करेंगे, लेकिन हम कम से कम सुन तो सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। सुनने से पहले ही हम ये वर्डिक्ट दे देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये यकीनन कोई स्टंट होगा, इसको पब्लिसिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह का हम मीडिया ट्रायल करना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम तहदिल से नारी का सम्मान करें और अच्छी तरह ये समझ लें कि बगैर नारी के विकास के देश का विकास कैसे हो सकता है। जिस तरीके से आपने कहा कि एक बार लड़की की बात सुन लेना चाहिए एंड उस पर बाकी डिसाइड वकील एंड कानून करेगा, तो आपको नहीं लगता कई बार इन सारी बातों का गलत मिसयूज भी हो जाता है? जिस तरीके से हाल ही में हम सब देख रहे हैं, एक जोमेटो वाला एक केस हुआ है जहाँ पे लड़की बोल रही है कि उसे जोमेटो गाय ने उसे मारा है एंड जोमेटो के एग्जीक्यूटिव ने उस लड़की का कहना सुना और सुनकर जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया, करेक्ट? लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि लड़की हमेशा सही होती है और लड़का हमेशा गलत होता है? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ जोमेटो के एग्जीक्यूटिव को जो उन्होंने जो लड़की हैं, क्या नाम है उनका, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ, तो उनकी कहानी सुनकर, उनका बयान सुनकर उन्होंने सबसे पहले जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया। अब ये देखना है कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो सच्चाई बाहर आ गई है या बहुत जल्द आने वाली है, और दोनों पक्ष की बातें हमने सुनी हैं। अब देखना ये है कि पुलिस किसके पक्ष में न्याय देती है। एंड सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली वो जो जख्म हुआ है लड़की के नाक पर, वो उन्हीं के फिंगर रिंग से हुआ है। अब इस बात का खुलासा हो अच्छी तरह से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए कि असल में आरोपी है कौन। क्या यहाँ पर पीड़िता खुद आरोपी है या मामला कुछ और है? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा नारी जो है वही सही होती है और पुरुष जो है वो हमेशा गलत होता है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही रूढ़ीवादी सोच है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही प्रिमिटिव सोच है। मैं स्टीरियोटाइप सोच है, मैं इस सोच को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मैं केवल ये कहती हूँ कि उन महिलाओं को हमें बढ़ावा देना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं
लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह गई हैं। शायद कोई ऐसा अनुभव रहा होगा उनका जिसके वजह से वो पीड़ित हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और वो हम कहाँ से ला कर दें उन्हें जब हमारे खुद के अंदर इस तरह की भावनाएं ना हो, तो हम क्या ऑफर कर सकते हैं आगे वाले को। तो मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमारा हृदय परिवर्तन हो, इस समाज का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें बदलाव आए। शर्लिन, आपसे बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होती हैं, आपको कौन इंस्पायर करता है आपकी लाइफ? मुझे कौन इंस्पायर करता है? मैं मेडिटेशन करती हूँ हर सवेरे। आजकल मैं 6:30 बजे उठ रही हूँ, मैं चाहूँगी कि और जल्दी उठूँ। तो उठकर जब एकांत में बैठती हूँ बहुत अच्छा लगता है, एंड एक खुद को मैं शक्तिशाली महसूस करती हूँ एकांत में बैठकर। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल होना, कुदरत की ताकत के साथ जुड़ना। शर्लिन, ये भी जानना चाहूँगा, बीइंग अ फिल्म एक्ट्रेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये अवार्ड किस रीजन से मिला, बीइंग एन एक्ट्रेस और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? मुझे लगता है ये अवार्ड मुझे दिया गया निडर होकर अपनी बात को सामने रखने के लिए। अभी हाल ही में मैंने कुछ खुलासे किए थे, और मुझे लगता है कि बात यहाँ पर सिर्फ खुलासे करने की नहीं है। हमें आमतौर पर डर लगता है ये सोचकर कि अगर मैंने ये स्टैंड लिया तो समाज क्या कहेगी मेरे बारे में, या क्या मुझे इंडस्ट्री में काम मिलेगा। मैंने अभी पिछले साल की बात है ये, मैंने एक बहुत ही डेयरिंग स्टैंड लिया। मैंने कहा कि मैं ड्रग्स के ख़िलाफ़ हूँ, मैं बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के प्रेजेंस के ख़िलाफ़ हूँ। और उसके बाद मेरे कई दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला कि मुझे इतना डेयरिंग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इस तरह उनके खिलाफ जाकर स्टैंड लेना शायद फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैं नुकसान और फ़ायदे के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या माल का सेवन करना अच्छा होता है सेहत के लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैंने 2017 अक्टूबर में धूम्रपान करना छोड़ दिया, मैंने मार्च 2020 में शराब पीना छोड़ दिया, और मैं चाहती हूँ कि युवा ये अच्छी तरह जान ले, समझ ले कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, और जिन्हें हम आदर्श मानते हैं वो डिप्रेशन के नारे लगाकर माल का सेवन करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या आप एक अच्छा एग्जांपल सेट कर रहे हैं देश के युवा के लिए? नहीं, आप उनको अंधकार में ढकेल रहे हैं। क्या मतलब, क्या आपको ये शोभा देता है? आपको लोग आदर्श मानते हैं तो आप खुलकर उनसे कहो कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। हमें लगता है नहीं, बस फिल्में करो, अवार्ड्स जीतो, एंडोर्समेंट्स करो, पैसा कमाओ, बस लाइफ सेट है। नहीं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, आप देश के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। लास्टली कंगना रनौत, तो आपने खुलकर बोला, ऐसी कम लेडीज होती है जो सामने आती है, आपने बोला मैं ड्रिंक्स करती थी छोड़ दी है। जी बिल्कुल, मैंने भी कुछ बोला था ऐसे कुछ बात था। तो इतनी डेयरिंग करना कितनी बड़ी बात है अपने आप में, लोग छुपाते हैं कि नहीं? जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो संस्कारी होने का दावा करता है वो वास्तव में संस्कारी हो, और हर वो लड़की जो अंग प्रदर्शन करती है वो वास्तव में शराबी हो या स्मोकर हो या नशेड़ी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो स्टीरियोटाइप से हमें बाहर निकलना चाहिए, एंड हमें ये सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप देश के लिए? आप कोई मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश के युवा को? आप ये बोल रहे हैं कि जब जब आप डिप्रेस फील करते हैं नो प्रॉब्लम, आप माल का सेवन करो, आप छुट्टा पियो, आप दमारो दम करो, आप नशेड़ी बन जाओ, ये क्या किस तरह का मैसेज है ये? हाँ, आपको नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। हमें तो ये मैसेज देना चाहिए कि प्लीज़, और भी कई रास्ते हैं डिप्रेशन से राहत पाने के लिए, ये एक रास्ता नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि इंडस्ट्री के सभी लोग सामने आएँ और एक होकर बोलें कि इनफ इज़ इनफ, नो मोर ड्रग्स, नो मोर ड्रग्स, नो मोर अल्कोहल, नो मोर रेव पार्टीज, इनफ इज़ इनफ, इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। आपके आंसू देखकर कितने लोग आपके साथ में खड़े हो गए, आप रो पड़े हैं सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन, क्या चीज़? एक लाइव के दौरान हमने देखा,
जी होता यह है कि जब इस तरह के हादसे हम याद करते हैं और उन्हें बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस हादसे को हम वापस जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू नो एक मानसिक प्रभाव होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है एंड बस उसी के चलते थोड़ा सा हम भावुक हो जाते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू।